यू टॉक इन यूर वीडियोज माशाल्लाह यूर वॉइस इज़ वेरी नाइस। हाँ जी प्यारे बहन भाई, मैंने सोचा खाना खाने से पहले मैंने कुछ कमेंट थे जो मैंने कॉपी पे ना लिख के रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले वो मैं पढ़ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कमेंट हैं। तो सबसे पहले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें अल्लाह ताला उनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज का मज़ेदार व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर आपको पता लाइट नहीं है, इस वजह से ना मैं 1-2 बजे शाम का खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर रात को सर्दी भी होती है, तो मैं अंधेरा होने तक ना मेरा खाना तैयार हो जाता है। इसमें पानी डाल के ना इसको ऊपर चढ़ा देती हूँ। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाई, आज हम शाम के खाने में ये चनों की दाल बना रहे हैं, तो काफ़ी दिन हो गए हमने ये वाली दाल नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा यही बना लेते हैं। मैंने पानी गरम किया था, मैं खुद भी नहाई थी और मैंने बच्चों को भी गरम पानी से नहलाया था। वैसे भी जब से सर्दियां आई हैं ना, तो तब से मैं बच्चों को ना गरम पानी से नहलाती हूँ। मेरे गले में ना वो मिर्चें चली गई हैं, तो इस वजह से ना मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है। मर्जी झाड़ू लगा के रखो ना, बच्चे पूरा दिन इधर खेलते रहते हैं, बस्ती के बच्चे होते हैं, अजवारानी होती है सारे, तो पूरा दिन इधर ना सारा कचरा वगैरह फैला के जाते हैं। और आज आपको एक मज़े की बात बताऊं, आज हमने फ्रेश गन्ने खाए थे, बहुत मज़ा आया था। ये देखें ये छिलके पड़े हुए, गाँव में रहने का तो यही मज़ा होता है, हर चीज़ फ्रेश मिलती है। और यकीन माने इतने मीठे गन्ने थे ना, लजीज थे।
पता नहीं ये कब गलेगी। अब नमक डाल दिया, ये देखें ये कपड़े अभी तक नहीं सूखे, और इधर भी मैंने एक रस्सी बांध दी थी, इधर भी कपड़े और उधर भी कपड़े, उस रस्सी पे भी कपड़े ही कपड़े और इस रस्सी पे भी कपड़े ही कपड़े। ये जो है ना मैं लगा देती हूँ उधर, अभी इसको 5-10 मिनट देर है। बस इन दो को मैंने नहीं डाला, ये तेज है। ये मेरे काम आने वाले नहीं हैं फिलहाल ये बर्तन, तो मैं इनको ना अभी अंदर रख देती हूँ। दाल तो अभी गलने का नाम ही नहीं दे रही, मैंने सोचा चलो उतनी देर तक ना मैं आटा गूंद लेती हूँ। और अजवा रानी ना आज साग बना रही है, ये देखिए ये कह रहे कि मैं साग बना रही हूँ। रेत को उड़ के ना ऊपर आती है रोटी के ऊपर। आज मैंने सोचा इधर ना पानी का छिड़काव लगा देती हूँ, कुछ गुजारा हो जाता, रेत जम जाती है नीचे।
हाँ जी, दाल हमारी ना बस अब हद से ज्यादा गल गई है। पहले तो गलने का नाम नहीं ले रही थी और अब गली है तो हद से ज्यादा ही है। हाय हाय, जो रानी क्या कर रही हो, हट जाओ पीछे। ये देखिए जो कपड़े सूख गए हैं मैंने सोचा इनको ना उतार के ता लगा के रख देती हूँ और जो अभी गीले हैं ना तो उनको ना इधर ही रहने देती हूँ, रात को ये ना हो कि कुत्ते ही ले जाएं खींच के। यहाँ पे हमारे गांव में ना ऐसे कुत्ते भी हैं जो कपड़ों को ना उतार के ले जाते और फिर फाड़ देते हैं। हाँ जी, सारा हमारा तैयार हो चुका है और अब जल्दी से ना रोटी बना लेती हूँ। इसको नीचे उतार देते हैं।
माशाल्लाह प्यारे बहन भाई, सूरज ग्रहण होने का सीन चेक करें। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाई, मैंने अली हमजा को कहा है कि आप हाथ मुंह धो के आओ, आपको खाना दो, तो हो गया वह हाथ मुंह धोने। ये देखिए सही तरीके से धो लो अली हमजा। ये देखिए आ गया। हाँ जी प्यारे बहन भाई, मैंने सोचा खाना खाने से पहले मैंने कुछ कमेंट थे जो मैंने कॉपी पे ना लिख के रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा पहले वो मैं पढ़ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कमेंट हैं। तो सबसे पहले हैं जी एक सिस्टर सलमा शहीन, उन्होंने कहा बेटी यू टॉक इन योर वीडियोस माशाल्लाह, योर वॉइस इज़ वेरी नाइस। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी आवाज़ की तारीफ़ें हो रही हैं कि मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है। आप मतलब कि उनका कहना यही है मेरे ख्याल से, तो आप वीडियोस में बोला करें आपकी आवाज़ प्यारी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। दूसरे नंबर पे हैं अहमद अलियास, तो उन्होंने कहा रात सोने की रूटीन शेयर करें इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिस दिन नवीद घर होंगे ना तो इंशाल्लाह फिर सुबह से वो रूटीन शेयर करेंगे, रात सोने तक वो मतलब कि व्लॉग चलता रहेगा। तो तीसरे नंबर पे है, ये नाम नहीं लिखा हुआ, आप वाइट चावल नहीं बनाती। नहीं, कभी मैंने वाइट चावल नहीं बनाए, लेकिन ट्राई करूँगी बनाऊँगी। तो ये जो है ना चौथे नंबर पे है मेरे ख्याल से, एक दो तीन चार नहीं, पाँचवें नंबर पे भी नाम नहीं लिखा हुआ, साग भी पकाएं इंशाल्लाह। अभी हमारे गाँव में तो साग उगा ही नहीं है, मैंने कभी देखा ही नहीं है इधर साग, तो इंशाल्लाह कभी बनाएंगे, कहीं से तोड़ के ले आऊँगी पूछ के। यासिर अब्बास, सिस्टर बोलने वाले व्लॉग अच्छे होते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आप हमें जो है ना हौसला देते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अब खाना शुरू करते हैं, और जिन जिन हमारे बहन भाई ने खाना खाना है तो वो आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं। और एक ये भी कमेंट आया हुआ था, मैं उसका नाम नहीं पढ़ सकी कि आप, मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप मिट्टी के बर्तनों में खाना वगैरह बनाती हैं। हाँ जी, मुझे भी बहुत पसंद है मिट्टी के बर्तन, मैं जब भी मेरा बाज़ार चक्कर लगा तो मैं और भी ले आऊँगी। और अजवा रानी को खाना खा के मैं ले आऊँगी, वो इधर खेलने गई हुई है बच्चों के साथ, बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है सालन गरम मसाले की। अभी खाना खाने के बाद अली हमजा के कपड़े भी चेंज करवाऊंगी, इसको मोटे कपड़े पहनाऊंगी। ये लो ये लो, मैं खिलाऊं। ऐसे खानी है। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाई, आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, और आप लोगों ने बताना है कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, और आगे भी शेयर कर दिया करें। और आज के व्लॉग से लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल वाले व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।